इसमें हम देखेंगे कि अपना थॉट कैसे चलता है, थॉट एंड फिल्टर कैसे चलता है। सबसे पहले फिल्टर वगैरह लगाने के लिए हमें क्या ये कोई डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। हाँ, सबसे रिक्वेस्ट माइक से दीजिए, आपका नाम जहाँ इसमें शो कर रहा होगा गो टू मीटिंग के पैनल पे, उनके आगे माइक का निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, और उसके बाद जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ताकि बाकी क्लास में डिस्टरबेंस ना रहे। अगर सब मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज इसको कर दीजिए। मनोज जी अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो उसको म्यूट कर दीजिए। म्यूट है नहीं, म्यूट इन द सेंस आपके ये जो, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है। अब देखिए, सौ फिल्टर लगाने के लिए एक तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। अब मैं वो कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस डेटा पे कर्सर होना चाहिए, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एल से लगता भी है हटता भी है। अब ये किस केस में होता है, अभी मैं मान लीजिए लगा दिया मैंने फिल्टर, ठीक है जी, पहले डेटा सिलेक्शन का रूल बता रहा हूँ, पाइवट टेबल या फिल्टर लगाएंगे या सॉर्ट करेंगे कुछ भी करेंगे, ये विदाउट सिलेक्शन के डेटा कब काम करता है। मान लीजिए आप अपने डेटा पे कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए पहले क्या होता था, पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए होता था, सिलेक्ट ऑल जिसका मतलब है, पर इसमें क्या होता है कि रीजन सिलेक्ट करता है आजकल, कंट्रोल ए करेंगे तो डेटा का रीजन मतलब डेटा की पहुंच जहां तक होगी उसको सिलेक्ट करेगा। तो जितना डेटा आपके सिलेक्टेड होगा उस पे फिल्टर पाइवट टेबल या सॉर्टिंग अप्लाई होती है उसी डेटा पे। लेट सपोज कि ये डेटा यहां से ब्रेक है, ठीक है जी, ब्लैंक स्पेस है, तो अगर मैं बगैर सिलेक्ट किए अगर फिल्टर लगाता हूं तो इसकी रेंज खाली इतनी ही रहेगी, लिमिटेड। मुझे कैसे पता, यहाँ पे लाके कंट्रोल ए करता हूं तो इतना ही डेटा सिलेक्टेड दिखाता है, तो इसकी रेंज भी देखेंगे तो उतनी ही रहेगी लिमिटेड, यहाँ पे भी देखेंगे वही चीज रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेटा एक पॉइंट से भी कनेक्टेड रहता है तो कंट्रोल ए जब दबाते हैं तो वो पूरे डेटा को सिलेक्ट करता है, ये देख रहे हैं, तो सबको सिलेक्ट करता है, बट अगर पूरी की पूरी ब्लैंक लाइन या ब्लैंक कॉलम होता है तो वो इसकी रेंज निर्धारित कर देता है कि यहीं तक सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। बट मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हमारे पास बाहर से शीट आ जाती है जिसमें बीच में स्पेसेस होते हैं, बीच में ब्लैंक लाइन है, बहुत जगह है, इसमें क्या करना है मुझे, इसके लिए मुझे पहले सारा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और तब जाके मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा पूरा सिलेक्ट हो, ठीक है जी। तो इस केस में अब पूरा हो गया, मान लीजिए बीच की लाइन ने डिलीट करनी है तो यहां से मैं ब्लैंक सिलेक्ट करके जो नीले में दिखा रहा है, ब्लू में दिखा रहा है, इसका मतलब ये बीच वाली ब्लैंक लाइन है, तो इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है जी, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, ब्लैंक लाइन डिलीट हो गए, ब्लैंक लाइन का मसला हल हो गया, अब आपका कंट्रोल ए पे पूरा डेटा आ रहा है तो ये ठीक है, ठीक है, नहीं तो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डेटा को प्रॉपरली स्टैक करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए सॉर्टिंग कैसे करते हैं, हम किसी भी जिस सेल को सॉर्ट करना है मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ होम टैब में यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर है, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, ए टू जेड पे करूंगा तो अल्फाबेटिक सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, नेम वाला कॉलम हो गया, उसके साथ ही ये डेटा भी सिलेक्ट हो गया, उसके साथ का डेटा आपका सॉर्ट हो गया। मान लीजिए सिटी वाइज करता हूँ ए टू जेड तो सिटी वाइज हो गया, ठीक है जी, देखेंगे हम सिटी में सबके अलग अलग नाम आ रहे हैं तो सिटी वाइज सॉर्ट हो गया, ठीक है जी, सेल्स वाइज है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का आपका आ गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट हो गया, सॉर्ट हो गया। अब ये तो है एक कॉलम को सॉर्ट करने के लिए, बट आगे चलते हैं इसके नए लेवल पे, कस्टम सॉर्ट है।
इसमें क्या है कि आप लेवल वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं। सपोज मुझे अल्फाबेटिक चाहिए, नेम जो है मुझे अल्फाबेटिक चाहिए, तो इसमें ऐड लेवल का ऑप्शन होता है, डिलीट लेवल का, कॉपी लेवल का, और आप इनकी प्रायोरिटी सेट कर। पहली मुझे चाहिए नेम वाइज सॉर्टिंग, ठीक है जी। किस बेस पे सॉर्ट करना है? वैल्यूज के बेस पे सॉर्ट करना है। इनके कैसे सॉर्ट करना है? ए टू जेड करना है, ठीक है जी। पहली सॉर्टिंग ये होगी। दूसरी सॉर्टिंग में लगाऊंगा सिटी के ऊपर। सिटी के ऊपर कैसे? वैल्यू बेस, ये भी अल्फाबेटिक आ जाएगी। तीसरी सॉर्टिंग लगाऊंगा मैं सेल्स के ऊपर, जो कि वैल्यू के ऊपर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगी, ठीक है जी। हर बंदे की, हर सिटी की सेल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो तीन लेवल में मैंने सॉर्टिंग कर दी। मान लीजिए अगर इसमें आपको वो नहीं दिखा रहा है, ये हेडिंग्स नहीं दिखा रहा है, तो मे बी आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है, माई डेटा एज हेडर्स, ठीक है। ये अगर चेकड है तो आपको यहाँ हेडिंग दिखाएगा। ओके करूंगा तो मेरा डेटा वैसे ही सॉर्ट हो चुका है। नेम अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो गया, फिर जैसे हरीश के अंदर जितनी सिटीज है वो सॉर्ट हो गई। अगले नाम में देखूंगा महेश में, तो वही सिटीज दोबारा से रिपीट होंगी। और हर एक सिटी जो मैं मांग रहा था कि जैसे दिल्ली है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हरीश के लिए, दिल्ली के लिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेट हो गई। तो ये लेवल वाइज सॉर्टिंग इसमें कर सकते हैं। कितने लेवल इसमें एक्सेप्टेड है? 64 लेवल तक आप सॉर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 64 अप टू 64 कॉलम की लेवल वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के और ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर कस्टम सॉर्ट में। हमारी वैल्यूज जो होती हैं, खाली वैल्यूज के बेस पर ही नहीं, कुछ और भी ऐसी चीजें जिनके बेस पे हम सॉर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें? सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन। तो पहले दिखाता हूं मैं सेल कलर के बेस पे कैसे सॉर्टिंग होती है। मान लीजिए आपने कुछ ऑडिट किया और यहां से कुछ पकड़ में आया आपकी कि ये इनका रिजल्ट जो है गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। येलो से मैंने मार्क कर दिया। मैं चाहता हूं येलो वाली सबसे ऊपर आए, बाकी सारी नीचे आनी चाहिए। तो मैं सॉर्ट में गया, कस्टम सॉर्ट में, बाकी को डिलीट कर देता हूं, यहां से लेवल डिलीट भी कर सकता हूं। मैंने क्या किया, सेल्स को मैंने सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सेल कलर पे। अब सेल कलर का करते ही आपका यहाँ पे कलरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें अवेलेबल कलर्स आपको दिखा देगा जो कि आपके डेटा में यूज्ड हुए होंगे। तो यहाँ येलो है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आप दो जगह रख सकते हैं, या तो टॉप में रख सकते हैं या बॉटम में, या सबसे ऊपर रखे या सबसे नीचे। मैं कहता हूँ टॉप में आ गया, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये टॉप में आ गए, बाकी नीचे हैं। अब मैंने क्या किया, नीचे वालों में कुछ और प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम थी, उसको अलग ही कलर से कलर कर दिया, ब्राउन से कर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब मैं फिर कस्टम सॉर्ट पे गया। अब मैं चाहता हूं ये ब्राउन वाली टॉप पे आए, येलो वाली मिडल पे आए और बाकी डेटा उसके नीचे आए। तो दो टाइप की सॉर्टिंग चाहिए। तो पहला मुझे जो टॉप पे चाहिए वो मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, टॉप पे आ गया। एड लेवल में मैं सेम कॉलम के लिए ही कर सकता हूं। अब इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी ऊपर वाले की सेट होती है सबसे पहले। इसको भी मैं सेल कलर के बेस पे येलो सिलेक्ट कर लेता हूं और टॉप में ही रखता हूं। पर प्रायोरिटी पहले वाले की सेट है, तो जो पहले आएगा उसको पहले रखेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेगा, ठीक है जी। ओके करता हूं तो देख रहा हूं कि ब्राउन वाला पहले आ गया, येलो वाला बाद में आया, बाकी डेटा बाद में, ठीक है जी। देन इसमें क्या है कि आपका जिस तरह से मैंने सेल कलर किए हैं, उसी तरह से आप फॉन्ट कलर भी कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर अगर मैंने रेड कर रखा है, फॉन्ट मुझे करने हैं, तो फॉन्ट के अंदर भी यही ऑप्शन आपको दिखाता है। मैं इसमें से चूज कर लेता हूं सिटी, फॉन्ट कलर, और फॉन्ट के भी इसी तरह से दिखाएगा, और इसी मेथड से उनको कर सकते हैं। टॉप में रखता हूं, ये टॉप में आ गया, ठीक है जी। देन इसके बाद एक चीज है सेल आइकॉन, जो कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे इसके बारे में। सेल आइकॉन्स क्या होते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां से सेल आइकॉन आइकॉन सेट लगाया जाता है, ठीक है जी, जो इसको एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन देने के लिए, एक्स्ट्रा विजुअल लुक देने के लिए मदद करता है, ठीक है।
तो इसके हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को। हम कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं सेल्स में और यहां से चूज कर लेते हैं सेल आइकॉन। सेल आइकॉन हमने चूज कर लिया, कौन सा टॉप में रखना है, मैंने कहा राइट वाला सबसे टॉप में रखना है। देन मैं एड लेवल करता हूं, फिर से सेल्स पे जाता हूं और यहां से जाता हूं अगेन सेल आइकॉन, फिर मुझे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बीच में रखना है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, राइट की है, सेकंड प्रायोरिटी एक्सक्लेमेशन की, वो बीच में ही आएगा, तीसरे की सेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि बचा हुआ बन जाएगा, तीन ही आइकॉन है आपके पास, बचा हुआ सबसे नीचे जाएगा। ओके कर दिया, हो गया, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ राइट का चल रहा है, फिर एक्सक्लेमेशन चल गया, देन उसके बाद आपका क्रॉस वाले चल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से सेल आइकॉन के बेस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। पर मान लीजिए मैं इनका मंथ निकाल लेता हूं, मैंने आप लोगों को कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था जिसमें मैं टेक्स्ट जो डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, रियलिटी को चेंज नहीं करता। पर अगर आपको रियलिटी को वाकई में चेंज करना हो उनकी, तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें पहले एक वैल्यू मांगता है। अब मंथ के लिए मैं इस डेट से ही उठा रहा हूं और यहां मंथ के लिए मैंने क्या बताया था, एब्रिवेटेड मंथ नेम चाहिए, MMM करके ले लिया मैंने, ठीक है जी, MMM करके ले लिया, मंथ नेम आ गया मेरे पास आसानी से। अब मंथ नेम तो मैंने ले लिया इसके अंदर, अब मैं चाहता हूं मंथ को मैं सॉर्ट करूं, तो मंथ को अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा बताइए, किस सीरीज में आएगा, कोई आंसर दे इसका। अगर मैं इसमें मंथ सॉर्ट करता हूं तो क्या आएगा, जन टू दिसंबर या दिसंबर टू जन, नहीं जी यही तो गड़बड़ हो जाएगा। दो ऑप्शंस आ जाएंगे, जन टू दिसंबर तक सॉर्ट करना है, जैसे A to Z होता है, Z to A, इस तरह से Jan to December, December to Jan। सबसे बड़ी चीज यही मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ऐड किया था। इसमें मैं ले लेता हूँ मंथ, ठीक है जी, और ले लेता हूँ वैल्यूज, और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। अब A to Z, Z to A तो आ रहा है, पर A to Z जब मैं करता हूँ तो क्या आता है, अप्रैल आया, अगस्त आया, देन दिसंबर आया, बाकी मंथ कहा गए नीचे। तो हुआ क्या, ये अल्फाबेटिक सॉर्ट हुआ है, मंथ वाइज सॉर्ट नहीं हुआ। पर मान लीजिए मुझे करना मंथ वाइज, करूंगा कैसे, कोई सलूशन इसके लिए बता सकते हैं, कस्टम लिस्ट बनाएंगे। हाँ जी, कस्टम सॉर्टिंग अगर हम करते हैं तो क्या ही लगेगा, किससे, किसी से आंसर आ रहा है मुझे लगता है सही, कस्टम लिस्ट बनाएंगे हम लोग इसकी जैन किया। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो कस्टम लिस्ट में ऑलरेडी अपना जनवरी फरवरी पड़ा होता है, यहां से कस्टम लिस्ट ले लेंगे, ठीक है जी, ऑर्डर से कस्टम लिस्ट में क्या है, जनवरी फरवरी वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसी एंट्री यहां पड़ी हुई है उस हिसाब से ये सॉर्ट कर देगा, जैन देन फेब देन मार्च। तो इससे क्या समझे कि आपका ये तो कर ही देगा, पर मान लीजिए कंपनी में डेजिग्नेशन है, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इस तरह की डेजिग्नेशन है, मान लीजिए मैं इनकी डेजिग्नेशन भी डाल देता हूं और मुझे डेजिग्नेशन वाइज सॉर्ट करना है, ठीक है जी, यहां पे डेजिग्नेशन में अलग अलग डाल देता हूं। हाँ नहीं आई मैनेजर, देखें कहीं से आ जाए, नहीं ले रहा है, वीपी से लेगा, हाँ चलो वीपी से ले लिया इसने, वीपी जीएम डीजीएम। अब इससे सॉर्ट करना है तो यहां पे मुझे कस्टम लिस्ट काम आएगी, डेजिग्नेशन लिया, वैल्यूज लिया, कस्टम लिस्ट ली मैंने और यहां पे वीपी जीएम डीजीएम सबका एक ऑर्डर बटा हुआ है, ठीक है जी, सबसे पहले वीपी आ जाएगा, ठीक है जी, उसके नीचे अपने जीएम आ जाएंगे, उसके नीचे डीजीएम आ जाएंगे, उसके नीचे एजीएम आ जाएंगे, चीफ मैनेजर,
देन सीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव अगर उनमें, ठीक है। तो सॉर्टिंग का ये मेथड अपने काफी काम आ सकता है, कहने का मतलब ये, ठीक है जी। तो सॉर्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, आप देखते हैं फिल्टर में क्या क्या होता है। उससे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ रूल क्लियर कर, ठीक है। अब फिल्टर में आ जाते हैं कि फिल्टर में क्या क्या कर सकते हो। फिल्टर को लगाने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब फिल्टर में एक खास बात क्या है कि अगर आपकी डेट होगी, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां डेट फिल्टर दिखाएगा। सॉरी सर, एक ऑलरेडी एफएफबी तो एक तरीका है ना फिल्टर लगाने का। क्या चीज? शॉर्टकट फॉर ये फिल्टर्स लगाने के लिए ALT+FF। हाँ बढ़िया, वो पुराने ऑब्सोल्यूट शॉर्टकट्स में था जो 2003 में चलते थे, इसमें भी चलते हैं। इसके चार पांच एक्चुअली मेरे में वर्किंग यही है, मैं यही यूज करता हूँ, मैंने इसलिए आपसे कंफर्म करा। दिक्कत नहीं सर, कंट्रोल शिफ्ट एल भी चलता है, ALT+DFF भी चलता है, ALT+AT भी चलता है, और इसके अलावा एक बड़ा शॉर्टकट और है जो ALT की से ही आप देख सकते हैं, ALT+HSF, ALT+HSF, ठीक है जी। बहुत सारे हैं, और यहाँ कस्टमाइज में चूज कर लेंगे फिल्टर को तो उसका एक और बन जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को करने के बहुत तरीके हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या, मैं बता रहा था कि डेट फिल्टर में डेट फिल्टर दिखाएगा जहां भी आपकी डेट पड़ी होंगी, ने जहां पे भी टेक्स्ट पड़ा होगा तो टेक्स्ट फिल्टर दिखाएगा, और जहां नंबर आपके पड़े होंगे वहां नंबर फिल्टर दिखाएगा। तो इनको दिखाता ही नहीं है खाली, इनके नाम अलग, इनकी फंक्शनैलिटी भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। लेट सपोज डेट अपना मैंने तो सही फॉर्मेट में डाल रखा है क्योंकि मुझे कस्टम फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट की नॉलेज है, पर कई लोग डाल देते हैं गड़बड़, उस तरह कुछ लोग इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें कंप्यूटर तो कुछ समझने से रहा, ये क्या करता है इसको उठा के सबसे लास्ट में कर देगा, ठीक है जी। अगर आपको ऐसी डेट सही करनी है तो आपने ये प्लस प्लस वाली जैसे मैंने हटा दी और यहां से लास्ट में सिलेक्ट कर ली तो डेट सही कर सकते हैं। हालांकि इसके मेथड में आपको आगे बताऊंगा कि इनको इंस्टेंटली कैसे ठीक किया जा सकता है अगर किसी ने गलत भी एंटर कर दिया बहुत छोटे छोटे समय तक, ठीक है जी। मोस्टली क्या होता है, आप कैसे कर सकते हैं इनको, आपके में ये दिखाएगा कि ईयर ईयर दिखा रहा है, ठीक है जी। यहां से प्लस करेंगे तो इनके मंथ दिखाएगा, यहां से प्लस पे क्लिक करेंगे तो उस मंथ की डेट्स दिखाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से सिलेक्शन आप मैन्युअली कर सकते हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए आपको, आपको चाहिए 2013-14 का डेटा चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, तो 2013 के फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या चाहिए मुझे, जनवरी फरवरी मार्च इसमें से हटाना पड़ेगा, और 14 में से मुझे क्या लेना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है जी। एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा हो गया मेरा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो उसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। ये तो रहा मैनुअल सिलेक्शन जो हम सब करते हैं, बट उसके अलावा और भी ऑप्शन है। डेट फिल्टर में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे। इक्वल्स पहला ऑप्शन है इक्वल्स का, जिसमें आपकी फिल्टर की जितनी भी आपकी डेट्स पड़ी होंगी वो इसमें दिखा देगा इस लिस्ट में, तो इसमें कोई भी डेट सिलेक्ट करेंगे उसके बराबर जो डेट होगी वो आ जाएगी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये काम तो बाद से होगा। बिफोर ये काम का है कि कोई एक डेट चूज कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि भाई साहब इससे पहले की डेट जितनी हो, इस बिफोर, ठीक है जी, इस बिफोर 16 दिसंबर 2004, 16 दिसंबर 2004 से पहले की यही डेट है, ठीक है जी, ये डेटा सॉर्ट हो गया। देन है आपका आफ्टर, तो किसी पर्टिकुलर डेट के बाद वाली, जैसे 3 जनवरी 34 मैंने सिलेक्ट कर लिया, आफ्टर 1934 लिखा हुआ है, 13 जनवरी 34, अच्छा ये एक जगह इसमें चल रहा है 2000 में, एक जगह में 1934 में चल रहा है, ठीक है जी। तो इसमें इसलिए गड़बड़ दिखा रहा है, बाकी मैं इसको अगर मुझे सही करना है तो मेरे पास तो बहुत
अच्छा ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली ईयर को यहाँ से ले सकता हूँ। हालांकि ये डेट टाइम फॉर्मूला में मैं बताऊंगा आपको ईयर वगैरह कैसे लिए जाते हैं। तो इसमें अगर कोई 1900 का ईयर होगा तो मेरे को दिख जाएगा। उन्नीस सौ का तो कोई नहीं है पर 1900 दिखा जाए। तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहां से वही वाला लगाता हूँ आफ्टर वाला। आफ्टर में मोस्टली क्या होता है उसके बाद की डेट दिखाएगा। चौतीस, यहां मैं 2034 ही कर दू। ठीक है जी, अभी मुझे एक्चुअल डेट दिखा रहा है उसके बाद की डेट है जितनी इसमें पड़ी हुई है। इसके बाद बिटवीन, किसी दो डेट के बिटवीन का डेटा, जैसे कि मैं कह रहा था कि एक मार्च 2013 से 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 का डेटा। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर का डेटा इससे बड़ी आराम से निकला है। और देखते हैं इसमें टुमारो, टुमारो में होता है आने वाला, मतलब कल की डेट में। और ये हर कल की डेट बदलती रहेगी, जैसे कल क्या डेट है अपनी 21 तारीख है। ठीक है जी, तो अगर मैं यहां से टुमारो का फिल्टर लगाता हूँ तो ये मुझे वो कल आने वाली डेट दिखा देगा। कल इस फाइल को खोलेंगे तो परसों वाली डेट दिखा देगा, मतलब हर डेट का टुमारो। नेक्स्ट टुडे, अगर आज की डेट कहीं होगी आप इसमें डाल के देखेंगे, आज की डेट अगर कहीं होगी तो जैसे आज की डेट कहीं एंटर कर देता हूँ और एक में मैं कर देता हूँ पुरानी डेट एंटर जो यस्टरडे की। तो तीनों ऑप्शन टुमारो टुडे यस्टरडे अपने पास अवेलेबल है इसके अंदर डेटा फिल्टर में। टुडे में आ गई आज की डेट और यस्टरडे में आ गई कल की डेट, बीती हुई डेट। उसके बाद है नेक्स्ट वीक। मान लीजिए आपका अकाउंट डिपार्टमेंट कुछ ऐसे चेक है जो अगले हफ्ते में एक्सपायर होने वाले हैं या रिलीज करने हैं या बैंक में लगने वाले, नेक्स्ट वीक पे सेट करके रख सकते हैं। अगले हफ्ते में जितने भी आने वाले डेट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो सकते हैं। ठीक है जी, अगले हफ्ते की इसमें डेट दी नहीं होगी इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो दिस वीक में इस हफ्ते की, लास्ट वीक बीते हुए हफ्ते में से कोई डेट, नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ की डेट है, दिस मंथ इस मंथ में कितनी डेट्स है और लास्ट मंथ पीछे महीने की डेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर अगले क्वार्टर की, अगले तीन महीने की, दिस क्वार्टर इस तीन महीने की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिखा रहे हैं, और देन लास्ट क्वार्टर पिछला जुलाई सितंबर अगस्त। तो क्वार्टर वाइज भी निकल जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर की 2015 की दिखा रहा है, दिस ईयर में 2014 की दिखाएगा और लास्ट ईयर में पिछले साल की दिखाएगा 2013 की दिखाएगा। एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें ईयर टू डेट, ये क्या है कि 1 जनवरी 2014 से आज की डेट तक की आपको डेटा दिखाएगा ईयर टू डेट में, पूरे साल में क्या हो गया अब तक आज की डेट तक। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल डेट्स इन पीरियड, तो क्वार्टर वन खाली किसी एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं, सबका ही जनवरी फरवरी मार्च दिखा रहा है। ठीक है जी, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी ईयर का हो। इसी तरह से आपका क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, हर एक ईयर का हो, जनवरी तो सबका ही जनवरी। ठीक है,
ठीक है जी, मंथ भी इसी तरह से दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन आपके डेट फिल्टर में अवेलेबल है, इनको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट के ऑप्शन। इक्वल्स मोस्टली सब में सेम। सर इसमें अगर मुझे जैसे जनवरी खाली 2008 का 8 का रिकॉर्ड चाहिए तो वो कैसे आएंगे? खाली 2008 का चाहिए तो जनवरी, हाँ तो जनवरी 2008 का चाहिए। हाँ जी, तो देखिए इसमें तो पहले ही इजी ऑप्शन दे रखा है, ईयर आपके सामने है और ये मैंने क्या किया 2008 के पास चला गया, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 2008, यहाँ से प्लस की प्लस को खोला और जनवरी सिलेक्ट कर लिया, तो जनवरी में जितनी डेट थी वो आ गई। ठीक है जी, मोस्टली ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं इजी वे में। ठीक है, बाकी टेक्स्ट फिल्टर देखते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं पता होते तो मैं क्या करता यहाँ जुगाड़ लगाता, फॉर्मूले लगाता, है ना, जो चीज नहीं मिलती उसके लिए मैं साइड में फॉर्मूला अच्छा, कैलकुलेट अच्छा। करता हूँ और फिर फिल्टर करता हूँ। ठीक है जी, अगर मेरे पास फॉर्मूला नॉलेज है तो एक्सेल में कई तरीकों से काम होता है, जो भी शॉर्टेस्ट होता है वो बेटर रहता है, जो सबसे ज्यादा टाइम बचा। टेक्स्ट फिल्टर देखते हैं, इक्वल टू इसका सेम होता है, इक्वल टू सबका सेम होता है, कोई भी एक चूज कर लेंगे, नॉर्मल ऑप्शन है उसी का दिखाएगा रिजल्ट। डज नॉट इक्वल टू मतलब इसको छोड़ के सारा दिखाएगा, इसको छोड़ के सारा डेटा दिखा रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया। देन बिगिंस विद, ये काम का है, मैं कहता हूं कि एस से स्टार्ट होने वाले नाम जितने भी हैं उनका डेटा दिखाए, तो सुजीत संदीप यही दो नाम है, इनका डेटा दिखा रहा है। और खाली ऐसी नहीं, मैं इसमें कोई एक फ्रेज टाइप का दे सकता हूं कि जैसे एस ए एन जहां हो, ठीक है जी, स्टार्टिंग में हो, उसको यही चाहिए तो उसका डेटा दिखाएगा। देन इसकी तरह ही एंड्स विद है, मतलब एंड्स विद भी होना चाहिए, मैंने कहा एच से एंड होने वाले दिखाओ, लास्ट में एच होना चाहिए, तो महेश में हरीश में, ठीक है जी, फ्रेज भी दे सकते हैं। देन उसके बाद कंटेंस क्या करता है, कुछ भी हो बीच में ऐसा होना चाहिए, मैं कहता हूं कि डबल ई होना चाहिए बीच में उनके नाम के, आगे हो पीछे हो कहीं भी हो डबल ई होना चाहिए, तो डबल ई वाले दिखाए गए बेटा, आगे पीछे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में हो। डज नॉट कंटेन, जो ऐसे ना हो, मान लीजिए एस एच जिनके नाम में ना हो वो दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है मुझे एस एच इनके नाम में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी, देन आपका ये आपका टेक्स्ट फिल्टर है टोटल। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं नंबर के लिए क्या है। नंबर के लिए वैल्यूज थोड़ी लॉजिकल हो जाती हैं, इक्वल्स टू तो सेम ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है इक्वल्स टू में कि इसके बराबर हो, वो आएगा। डज नॉट इक्वल टू भी सेम है, ग्रेटर देन, मैं चाहता हूं कि केवल 80 से बड़ी वैल्यू दिखाए, तो 80 से बड़ी सारी वैल्यूज है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैंने 80 चूज किया था, ग्रेटर देन आता है 80 से बड़ी, पर 80 ना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 भी हो और उससे बड़ी भी हो। उसमें देखेंगे 80 का भी फिगर आपको अगर होगा तो दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है जी, मतलब उससे बड़ा हो और वो भी इंक्लूडेड हो। इसी तरह लेस देन है, मैं कहता हूं 15 से छोटी फिगर दिखाए, 15 से छोटी दिखा है, 15 से छोटी दिखाए बट इंक्लूडेड 15 भी होनी चाहिए उसको, तो लेस देन इक्वल टू। देन आपका बिटवीन, 15 से 18 के बीच की दिखाए, तो यहाँ पे 15 लिखा और नीचे 18, इसमें देखेंगे तो एक कैलकुलेशन क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड इज लेस देन और इक्वल टू 18, तो ये हो गया बिटवीन, मतलब बड़ी हो या इसके बराबर हो और 18 से छोटी हो या इसके बराबर हो। और ये दोनों कंडीशन एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन किसी एक सेल में ट्रू होनी चाहिए। ठीक है जी,
अगर मैं पहली कंडीशन चेक करूं कि क्या वैल्यू 15 के इक्वल टू है या उससे बड़ी है, तो हाँ 15 तो है, ठीक है पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरी है कि इज लेस देन और इक्वल टू 18, मैंने देखा कि हाँ 18 से छोटी है, दोनों ट्रू हो गई, ठीक है जी। अगर ये और सिलेक्टेड होता तो दोनों में से कोई भी होती तो ये कर देता, दोनों में डिफरेंस क्या ले जाता, अभी तो बिटवीन बना था। अब क्या हो जाता, 18 से छोटी तो हो पर जरूरी नहीं है कि 15 से बड़ी होनी चाहिए, और के केस पर दोनों में से एक कंडीशन भी सही बैठती है तो उसका रिजल्ट दिखा देता है, ठीक है जी। इसलिए एंड लगा है बिटवीन के लिए, तो 15 से 18 के बीच की वैल्यूज दिखा रहा है मुझे। देन इसमें टॉप 10 वैल्यूज, टॉप 10 का मतलब टॉप 10 ही नहीं, आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। टॉप 5 कर देता हूं, टॉप 5 आइटम्स, ठीक है। तो टॉप 5 में क्या आ रहा है कि अपना एक रेशियो निकालता है पूरे डेटा से, तो उसके 5 टॉप में निकाल देता है, ठीक है जी। जैसे इसमें टॉप में बॉटम के भी हैं, छोटी वाली अभी इसलिए गड़बड़ दिखा रहा है क्योंकि वैल्यू मोस्टली एक है, नहीं तो वैसे इसको दिखाना चाहिए 5 ही वैल्यू, बॉटम की 5, बॉटम की छोटी वाली सबसे। अबव एवरेज, जो टोटल करके जो एवरेज निकलेगी उससे, एवरेज से जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी वो आपको दिखा देगा, ठीक है। बिलो एवरेज, टोटल करके एवरेज निकलेगी, एवरेज से छोटी वैल्यू जो होगी वो दिखा देगा। टॉप 10 वाले में एक और चीज है, टॉप 10 आइटम्स है और टॉप 10 परसेंट है। परसेंट में क्या होता है अपना, 10% जैसे 700 का डेटा है, 700 रोज का, तो उसमें से 70 दिखाएगा कम से कम, जैसे इसमें दिखा रहा है 1118 रिकॉर्ड है जिसमें से 111 दिखा रहा है, तो 10% दिखा रहा है मुझे हाईएस्ट वाली, ठीक है जी। तो ये आपका फिल्टर चलता है टोटल। फिल्टर में सबके नीचे ही एक कस्टम फिल्टर दिया हुआ है, कस्टम फिल्टर में सारी चीजें हैं, ये डेट्स वगैरह पे नहीं है, इसमें सारे ऑप्शन जो आपके लिखे हुए थे वो सारे मिल जाएंगे। इसमें आता है इक्वल, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिगिंस विद, डज नॉट बिगिंस विद, एंड विद, डज नॉट एंड विद, contains, does not contain, तो इस तरह के आपके फीचर दिए हुए, ठीक है जी। ये था आज का टॉपिक आपका फिल्टर एंड सॉर्टिंग का। कल की क्लास इसके बाद हम और करेंगे, फिर अपनी दिवाली की छुट्टी ले लेंगे, ताकि क्योंकि बहुत लोगों को जाना भी होगा इधर से उधर या बिजी रहेंगे, तो कल हम करेंगे फिर अपना 22-23 को दिवाली है, 22 की छुट्टी रहेगी, और फिर मतलब हम लोग जो मिलेंगे वो नेक्स्ट मंडे मिलेंगे, कल के में आ जाएंगे, क्योंकि कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारी एडवांस चीजें कल इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं कल। ओके सर, ओके सर।